लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की कवायद शुरू हो गई है। बेशक एनडीए के पास पूरा बहुमत है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर इंडिया गठबंधन भी आसानी से हार मानता हुआ नहीं दिख रहा है। आगे की रणनीति बनाने के लिए उसने आज शाम 6 बजे दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्ष के सभी दिग्गज शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर ये बैठक होने जा रही है, जिसमें 27 विपक्षी दलों के नेता मौजूद होंगे, लेकिन सबकी नजरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू पर टिकी है। दरअसल इंडिया के पास टोटल 233 वोट हैं और बहुमत का 272 है। ऐसे में तो विपक्षी दलों का गठबंधन बहुमत से मात्र 39 सीटें दूर है। ऐसे में बहुमत पाने के लिए उसे मौजूदा पार्टनर के अलावा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे। ऐसी स्थिति में कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया मीटिंग में जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी, एआईएमआईएम समेत छोटे बड़े दलों को साथ लाने की कोशिश पर मंथन किया जाएगा, और अगर सरकार बनाने की नौबत आती है तो तृणमूल गठबंधन को समर्थन दे सकती है। क्योंकि ममता बनर्जी बेशक अलग चुनाव लड़ रही हूँ, इसके बावजूद उन्होंने कहा था कि वो इंडिया के साथ हैं। बता दें कि नीतीश कुमार के 12 कैंडिडेट संसद पहुँचे हैं और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, जबकि ममता बनर्जी के करीबन 31 सांसद जीते हैं। वहीं नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी के पास भी 1 सांसद है, और अगर एआईएमआईएम भी इंडिया के साथ आ जाती है तो इंडिया की सरकार आसानी से बन सकती है। फिलहाल अभी इंतजार कीजिए, मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है उसका हम आपको पूरा अपडेट देंगे।